कटिहार में जल जीवन हरियाली की नजीर पेश कर रहा है बीएमपी 7 स्थित तालाब और इससे जुड़े परिसर। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के कोच से बने ये तालाब पर्यटन और परिसर प्रशिक्षु सिपाहियों की ट्रेनिंग स्थल के साथ साथ कटिहार के लोगों के लिए पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बन गया है। इस परिसर को बेहद कम खर्च पर बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के मार्गदर्शन में सुसज्जित किया गया है। इस तालाब से बीएमपी 7 के जवानों को प्रशिक्षण का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही जवानों के श्रमदान से तैयार किए गए यह तालाब आने वाले दिनों में शहर के पर्यटन का एक डेस्टिनेशन के रूप में भी सुर्खियों में रहने वाला है। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा कि पूरे बीएमपी परिसर का कायाकल्प हो गया है, अब ऐसा लगता है कि शहर के लोग यहां विशेष मौके पर घूमने आएंगे। देखिए, मैं कटिहार में तो 1985 में आया, 87 में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई। बीएमपी में भी कभी कभी किसी प्रोग्राम में आने का मौका मिलता था, तो पहले भी आता था, पहले भी अच्छा था, लेकिन अब और बेहतर और अच्छा बनाया। हमारे जनाब दिलनवाज साहब जो कमांडेंट हैं, आईपीएस अफसर हैं, इन्होंने इसको इतना बेहतर किया कि ये इसको विजिटिंग प्लेस कर दिया कटिहार वालों के लिए। यानी लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जनवरी, 1 जनवरी नए साल में अब आकर यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। इस पोजीशन में ये बीएमपी 7 आ गया। इसका सेहरा जनाब दिलनवाज साहब जो कमांडेंट हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, और हमसे बड़े लंबे ताल्लुकात नहीं थे, बहुत कम दिन में इन्होंने दिल जीत लिया हम लोगों का। और मैं समझता हूँ कि बीएमपी के लोगों का भी दिल जीता, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और एक अच्छा अखलाक, लोगों से मिलना जुलना, और हम लोग भी जुड़ गए। अब मैं समझता हूँ आप प्रेस वाले लोग भी जुड़ गए हैं दिलनवाज साहब से, तो ये इनकी अपनी शख्सियत है। इनको मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह अभी हमने घूम करके देखा और कम लागत में, कम खर्च में, जो टूटा फूटा भी था और जो भी अभी जो मैं कबल आया था आज से लगभग एक आध महीना पहले, तो जिसकी पोजीशन देखी थी, जो इम्प्रूविंग स्टेज में था, जो अब हम ये कहें कि इम्प्रूव्ड हो चुका, लेकिन कोई चीज़ इम्प्रूव्ड नहीं होती है, हमेशा इम्प्रूविंग, हमेशा डेवलपिंग स्टेज में होती है, हमेशा डेवलप होता रहता है। लेकिन बहरहाल इसकी आज हैसियत बन गई है और उसका सेहरा दिलनवाज साहब को जाता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, हमसे भी ताल्लुकात बनाया, अल्लाह आपको हमेशा मजबूत करता रहे और आगे बढ़ाता रहे, आपकी उम्र और सेहत के साथ लंबी करता रहे, ताकि आप समाज के लोगों के काम आ सकें। और जो मैं बाहर सुनता हूँ कि यहाँ जो भी लोग हैं, सिपाही हैं या जिस लेवल के लोग हैं, हर तरह के लोग खुश हैं और उनकी भी ट्रेनिंग ज़बरदस्त हो रही है, और उनकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त होना, अच्छी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समाज के काम आते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से आते हैं, लोगों को कुछ ट्रेनिंग के दृष्टि से आते हैं। उसके लिए भी हमारे कमांडेंट साहब ने एक अच्छा रोल अदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीएमपी 7 के कमांडेंट ने राज्यसभा सांसद को सहयोग के लिए बधाई देते हुए कहा कि कटिहार बीएमपी 7 में इस तालाब के साथ साथ पूरा परिसर को डेवलप किया गया है और आम लोग भी यहां घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के ट्रेनिंग के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा। बड़ी बात यह है कि इस तालाब के निर्माण में जुगाड़ तंत्र के सहयोग से बेहद कम खर्च में और बीएमपी के जवानों के श्रमदान एवं आकर्षक पेंटिंग से पूरे परिसर को सजाया गया है, जो हर लोगों को इस तालाब और परिसर की तरफ आकर्षित करता है। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो तालाब देख रहे हैं आप, ये काफ़ी जर्जर स्थिति में था, थोड़ा सा नगर निगम का सहयोग मिला था, लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, और हमारे जो बीएसएफ के जवान थे या पदाधिकारी थे, बार बार ये कहते थे कि सर छठ करने में काफ़ी कठिनाई होती है, उधर भीड़ हो जाती है, यहाँ पर हम लोग का तालाब है, इसको डेवलप कर दिया जाता। तो सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि छठ के नाम पर, छठ घाट के नाम पर एक बार इनको बोला और ये तुरंत तैयार हो गए। हमने बोला कि जवानों को कठिनाई होती है, फिर ये साफ़ सफाई भी हो जाएगा, एक प्लेस के रूप में भी इसको ट्रेनिंग भी होती है जवानों की, और मल्टीपर्पज़ चीज़ है यहाँ पे,
अगले साल भी आपदा का इसमें ट्रेनिंग हम लोग टूटे फूटे हालत में ही कराए थे, तो सर तैयार हुए। सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपने फंड से अपना योगदान कराया इसमें, और इसका हम लोगों ने जो हमारे ट्रेनी सिपाही हैं या जो बीएमपी के बीएसएफ के सिपाही हैं उनका श्रमदान भी रहा, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो आप देख रहे हैं हम लोगों ने बहुत कम लागत में इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया, आकर्षक लुक दिया है। क्या बाहर के लोगों के अलाव है, अगर शहर के लोग भ्रमण करना? बिल्कुल अलाव है, मतलब जो चाहेंगे वो परमिशन लेके आ सकते हैं, ये सब पब्लिक के लिए ही, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हम अपने ट्रेनीज लोग को धन्यवाद देंगे, एक से एक आर्टिस्ट है। आप जो देख रहे हैं उसमें जो खाली जगह थे सीढ़ी पर या अन्य जगह पर, ये सारा उनका कॉन्सेप्ट है। ये जो ये बर्फी टाइप का देख रहे हैं, ये सारा चीज़ जो एस्टिमेट है उससे अलग है। ये हम लोगों ने कचरे टाइल्स का इस्तेमाल किया है उसमें, और जो पेंटिंग है वो सब उन आर्टिस्ट का कमाल है। उसमें मधुबनी पेंटिंग भी है, मंजूसा पेंटिंग भी है, हर तरह का जो बिहार का बेसिक कला स्थल की कलाकृति है वो सब उस पर उकेरी गई है। थैंक यू सर। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाज साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है, साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाज साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार, तो आइए लाड साहब बनिए लाड साहब।